वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और आज आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम कैसे इंस्टॉल करना है वो बताने वाला हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिक्सल रोम इंस्टॉल किया है, वो कैसे करना है आज आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक ही बार प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद जो आपका फ़ोन है वो TWRP रिकवरी मोड में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको अगर लोगो दिखा तो उसके बाद आपको क्या करना है, पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी मोड में आप आ चुके हो। और जैसे कि रिकवरी मोड आ चुका है तो इसके बाद आपको स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है। तो इंस्टॉल में जाना है, और इंस्टॉल में जाने के बाद जहाँ आपका फाइल है वहाँ से आप चूज़ करो उसको। तो माइक्रो SD कार्ड ओके, मैं डाउनलोड्स में रखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस, इसको कर लीजिए ओके। स्वाइप टू फ्लैश, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फ्लैश हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए अपने फ़ोन को बूट लोडर को अनलॉक करना होगा। तो फ़ोन का बूट लोडर आप अनलॉक करना चाहते हो और इसका प्रोसीजर आप जानना चाहते हो, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो में आपको फ़ोन का बूट लोडर कैसा अनलॉक करना है और TWRP कैसा इंस्टॉल करना है मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए लास्ट तक, और आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम कैसा इंस्टॉल करना है रेडमी नोट 5 प्रो में और किसी और डिवाइस में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो सेम प्रोसीजर आपको रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पैचिंग सिस्टम इमेज अभी हो रहा है, और इसके बाद आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और फिलहाल तो Redmi Note 5 Pro में जो बग्स है वो ज़्यादा है अभी स्टेबल वर्जन में। तो मैं ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल करके देखा मैंने, लेकिन इसके अंदर बग्स अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसका ऑन स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी आपको मिलेगा 11 आवर तक का, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ्लैश हो चुका है, और इसके बाद आपको वाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइप कर लीजिए, और वाइप करके स्वाइप टू वाइप कर लीजिए, और इसके बाद बैक आना है आपको, और बैक आने के बाद यहाँ पे वाइप करना है, और वाइप करने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है, और इसके बाद और बैक आना है, और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करना है, और इसके बाद यस कर लीजिए, और यस करने के बाद ओके कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डेटा फॉर्मेट हो रहा है। इसके बाद आपको सिस्टम रिपोर्ट करना है डू नॉट इंस्टॉल। और अभी आपका जो देख सकते हो फ़ोन है अनलॉक्ड, क्योंकि मैंने इसको बूट लोडर अनलॉक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अनलॉक्ड बता रहा है, और इसके बाद आपका पिक्सल एक्सपीरियंस रोम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम ओपन हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हो रोम इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद आपको सेटअप कर लेना है अपने डिवाइस को। तो चलिए सेटअप करके मिलता हूँ मैं। जैसे कि देख सकते हो सेटअप हो चुका है, और जैसे कि यहाँ पे आप लेआउट देख सकते हो, और आपको पिक्सल जो फ़ोन रहते हैं उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। और जैसे कि आप देख सकते हो इसका नाम ही है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स में जाके अबाउट डिवाइस में आपको बताऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड पाई, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा 5th November का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।